अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद, आपका इंटरनेशनल इमेजिन वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। आज हम ड्रेस फॉर सक्सेस की सीरीज में एक बहुत ही स्पेशल और वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई वुड से दैट आई बीन ग्रेटली इम्प्रेस्ड इवन व्हेन आई वाज नॉट हियर इन लाहौर फ्रॉम व्हेन आई वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो कामरान लाशारी साहब हैं, इनको हमने इजाज़त दी है, ये आए हमारे साथ और ड्रेसिंग के हवाले से इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो आई थिंक इट्स गोना गिव यू ग्रेट टिप्स एंड यू नो ही इज़ इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ आईकॉन इन हिज ओन वे एंड ही हैज़ डन सम ट्रेमेंडस थिंग्स इन लाहौर इन इस्लामाबाद और यू नो आई वुड से दैट ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। सो लेट्स से उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं आज। कामरान साहब, लाशारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए, यू नो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हाउ यू नो योर जर्नी, वेयर इट स्टार्टेड एंड यू नो वेयर यू आर टुडे। सो ब्रीफली अगर ऑडियंस को थोड़ा सा जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे मधु करने का। तो मेरा ताल्लुक लाहौर से है जी और मजांग हमारा भाई घर मोहल्ला रहा है। तो सेंट एंथनीज हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई रही और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और उस वक्त मेरी पहचान अगर कोई थी तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स थी। अच्छा। विच मीन्स आई वाज अ स्विमर। अच्छा। उसी बुनियाद पर मैं कॉलेज में भी गया और आई वाज देन पंजाब रिकॉर्ड होल्डर। मैं कहता हूं स्विमर बॉडी है आपके भी, यू नो स्टिल ट्राई टू मेंटेन दैट वे। I was record holder of 100 meters backstroke at Punjab level and then at the national level I also was one of the team member. Then I got into law college and appeared for CSS and got into DMG and went to SIMT. My first initial 9 years have been dedicated to the Sindh province, and then I came to Lahore. For 13 years I was here in Lahore in different capacities, and then got to Islamabad, posted as CDA chairman and federal secretary retired. But I'm still working for the Punjab government as the DG World City Authority. Ek government ne banayi hai dedicated autonomous body for the rehabilitation of the old Lahore. So I'm looking for usme main kuch kehna chahunga, aap se puchna chahunga ki ye jo beautifying a city, I think it's a humongous project, ye sir kaise aapko, you know, how you got into this and the way, I mean, where this idea came from that you should be doing this? No, I think basically it must be some streak somewhere inbuilt, inborn. But I think there's an urge with all of us. I believe in one way or the other. It's with you also. Yes. Beautification. Yes, yes. Now, what is beautification? Beautification is finding harmony and balance in life. That's right. That's right. Right. And your surroundings and your environment. Yes, yes. So, आपने उसका एक और रास्ता चुन लिया है, that is exactly. My focus is human being and human beings and how they look like. So my focus has been how should cities look like, and उसमें कहाँ हम कैसे एक बेहतर proportion, harmony, balance और कुछ symmetry ये चीज़ें ला सकते हैं। तो सर ये क्रिएटिव पार्ट जो था आपका, यू नो यू फाउंड आउट लेटर ऑन, सो इस सर क्रिएटिविटी को आपने ड्यूरिंग योर करियर ऑल दैट आपने ड्रेसिंग में कैसे यूज किया? सो आई थिंक ड्रेस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो जब आपको इन चीज़ों से रगबत होती है, दिलचस्पी होती है, या एक उस तरफ आपका जहन चलता है कि अच्छा भी मुझे अपने गर्दोनवा में, गर्दोनवा से पहले अपना आप अपनी ज़ात शुरू होती है। इफ़ आई कांट कीप माई सेल्फ लुक गुड एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल, हाउ वुड आई मेक माई रूम लुक नाइस एंड ब्यूटीफुल, हाउ वुड आई मेक द सिटी लुक लाइक। सो यू सी दिस इज हाउ इट, as they say, charity begins at home. I think cleanliness and smartness and beauty stems from within. First it has to come
from you yourself. तो सो ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. तो सर आपने ये लर्न कहाँ से किया? आई मीन डिड इट इनेटली यू हैड दिस और आई मीन यू नो हाउ आई मीन आई सीन यू फ्रॉम लास्ट इयर्स एंड यू लुक वेरी गुड ऑल द टाइम. आई डोंट नो बट इफ आई रियली एनालाइज इट आई थिंक ये जो पर्सनैलिटी रिलेटेड चीज होती है मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि हाउ डू यू फॉर्म योर पर्सनैलिटी राइट. वो उसमें ड्रेस भी है मैनर्स है और बहुत सारी चीजें हैं तो वो उसका तो 5-6-7 चीजों का मजमुआ है. सो एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता. वन इज आपकी फैमिली जीन्स घर की तरबियत ग्रोइंग अप आपके कैसे स्कूल फ्रेंड्स कौन से थे आपका स्कूल का टीचर्स कौन थे फिर आपकी ट्रैवलिंग किधर रही है आपकी स्पोर्ट्स कैसी है. आई टेल यू वी have to understand the value of sports in your personality growth and development in your character and your courage and you know confidence and all that. So classrooms don't teach you all those things right. Neither does the computer right. It is the field when you are you know in the swimming pool right. And your limbs are failing, your muscles are cracking up, and you have to reach a certain point. You just keep on going. You keep on going, and you keep telling you can't give up. You have to move. So, yeah, competing, learning to get defeated, and then come back, and you, whatever. Champion thinking. Champion thinking. So, yeah, ek personality ke traits jo hai, phir how to present yourself. ये आपके अंदर एक शौक डेवलप होता है और वो इन सारी चीज़ों का मजमुआ है जो तरबियत से रिलेटेड है. हमारे मुल्क में माशरे में मैं समझता हूँ तालीम पर जोर है अच्छी खुराक पे है खुराक पे वो बहुत ज़्यादा है आज की पके है वो इन द चेंज नहीं इन द चुन बट वी डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू हाउ यू लुक लाइक आपकी ग्रूमिंग कैसी है मैनरिज्म कैसे हैं आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन मुहावरा कैसा है अंदाज कैसा है और ये पोस्चर कैसा है. बड़ी अजीब बात है कि कई दफा आप बैठे हुए ऐसे तो दो शख्स कमरे में आए तो चाहे बोले या ना बोले तो आप उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं. आपका जेन कर रहा है आपका जेन का कंप्यूटर उसको ग्रेड कर रहा है. सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा आई मीन यू नो कि यू नो आई ऑलवेज से दैट फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन और फर्स्ट 30 seconds में बिफोर समबडी इवन अटर्स अ सिंगल वर्ड यू हैव जज फोर थिंग्स अबाउट हिम. नंबर वन के यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली बैकग्राउंड ही बिलोंग्स टू. आई मीन यू नो वेदर राइट और रॉन्ग एफ्लुएंट से बिलोंग करता है मिडिल से है लोअर मिडिल से है या इवन फॉर दैट मैटर पेंडू है. सेकेंड थिंग एजुकेशन लेवल कि यू नो ये कितना पढ़ा लिखा होगा. आई मीन ऑब्वियसली यू डोंट नो बट यू नो मेक दोज विजुअल बेस्ड डिसीजन. और तीसरी बात ये कितना कुछ सक्सेसफुल होगा और चौथी ये करता क्या होगा. सो दीज आर लाइक इन 30 seconds गो रियल क्विक. सो इफ द इंप्रेशन एंड द अपीयरेंस इज नॉट राइट तो सर इसमें आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट है अपीयरेंस. यू नो स्पेशली यू नो वी आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द गेट्स एंड दिस एंड दैट कि उन्हें अपनी अपीयरेंस के ऊपर कितना सारा एम्फेसिस करना चाहिए और आई मीन हाउ इट रिलेट्स टू देयर करियर ग्रोथ एंड करियर. एक वक्त था कि हम खुद इंटरव्यूज के लिए जाते थे पेश होते थे. आज हम बहुत सारे लोगों को रोज़ाना इंटरव्यू करते हैं. मैं जिमखाना में भी जॉब्स के लिए करता हूँ अपनी जहाँ हूँ और कई बोर्ड्स पर हूँ. तो ये मैं खुद से भी सवाल करता रहता हूँ कि हाउ हैज़ दिस कैंडिडेट मेड अ डिफरेंस. अच्छा अभी बोला भी नहीं होता ठीक है ना. सो दो चीज़ें हैं. एक तो मैं समझता हूँ उसकी गुफ्तगू है और दूसरा उसका अटायर है द वे आउटफुट है उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज और उसका अपीयरेंस है. ये दो की फैक्टर्स हैं. नॉलेज वॉलेज बाद में आती है. नॉलेज तो लोगों ने उसमें भी टेस्ट की होती है जब आपके पर्चे होते हैं जब आमने सामने बात होती है तो समबडी इज जजिंग योर पर्सनैलिटी एंड ही इज जजिंग बेसिकली हाउ यू कैरी योर सेल्फ आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपने और उसमें आप बोलने से पहले आपकी आपका जिस्म बोल रहा है अपने लिबास के जरिए. यू कम्युनिकेटिंग यू नो थ्रू योर क्लोथिंग व्हाट यू आर वेयरिंग एंड दैट शोज दैट व्हाट इंपॉर्टेंस यू अटैच टू योर और सीरियसनेस यू अटैच टू योरसेल्फ
and to the place that you are going. Exactly. Respect दे रहे हैं। उनको क्या respect? कितनी importance दे रहे हैं? Respect दे रहे हैं। कितना seriously ले रहे हैं? अच्छा कई आ जाते हैं टी-शर्ट पहनी हुई है, बाहर निकली हुई है कुछ शर्ट या लूज से कपड़े हैं, well-fitted नहीं है या nicely coordinated नहीं है, तो coordinated नहीं। तो सर उसे ये नहीं लगता कि अगर ये इस तरह well coordinated तो obviously he will not be great in doing what he claims that he is doing। तो वो लगता है ये बड़ा casual session है। Casual attitude है। इसने हमें भी कुछ सीरियस नहीं लिया, अभी नहीं लिया, जब जॉब ले रहा है, जब जॉब उसने हासिल कर ली तो फिर ये क्या समझेगा? ये ऑडियंस ये बात सुनने वाली है कि अगर इफ यू फील दिस वे कि यू नो इट डजंट मैटर, आई थिंक दैट यू आर लिसनिंग फ्रॉम समबडी हु हैज बीन हायरिंग सो मेनी पीपल and you know I think that you acha sir aapne confidence ki baat ki hai, you know when you like really really nicely put together and you know that you look good and then all of a sudden this confidence shoots and then you know I mean even your posture bhi zara you know aise zara ho jata hai, to sir confidence ke ilawa aur kya cheez hai? Main aapko apni example deta hu, insaan khud se seekhta hai. Main jab exercise karta hu ki to main meri body language, mera पोस्चर, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी मूवमेंट कुछ और हो जाती है. जिन दिनों में मैंने एक्सरसाइज छोड़ी होती है वो कुछ और. इसी तरह जब मैंने एक अच्छा वेल फिटेड स्मार्ट और प्रॉपर लिबास पहना होता है और मुझे पता होता है कि ये इट्स लुकिंग गुड, तो मेरी चाल ढाल ही और होती है, मेरा मूड, मेरी स्पिरिट, मेरा अंदाज, मेरा तरीका. सो वही शख्स जब किसी ऐसी चीजें पहन के वो चला हुआ है, इट वेयर्स अपॉन योर एंटायर यू नो टेम्परमेंट. पर एक्चुअली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, एक बड़े बिग सीईओ ऑफ बिग कंपनी लाहौर है, नेम इन हिज नेम, लेकिन उन्होंने मुझे कहा यू नो वी मेड अ ग्रेट आउटफिट फॉर हिम एंड एवरीथिंग, आई कॉल हिम लाइक कपल ऑफ डेज लेटर, मैंने कहा हाउ डिड वर्क आउट फॉर यू, तो सर उन्होंने पता क्या जवाब दिया, आई हैड द माय मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑन दैट डे व्हेन आई वाज वेयरिंग दिस एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट. That's true. So it wasn't like you know कि अच्छा यार वो बड़ा पर कलर बड़े अच्छे थे या कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था. तो देखिए कई लोग इसके बरक्स भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी कपड़ों से क्या, ये बड़ी जाहिरी सी चीज़ है, सतही बात है और असल बात तो आपके जहन और दिल दमाग की है, ये इससे कोई नहीं था, वो तो होना चाहिए, वो तो और वो ये तो इसके बाद की बात करते हैं. लेकिन इंसान की जिंदगी या इंसान की पर्सनैलिटी मजमुआ है बहुत सारी चीज़ों का. Absolutely. आप एक को दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते. लेकिन सर मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि देखें आप इफ यू लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू वेरी नॉलेजेबल एंड यू हैव अ लॉट टू ऑफर, अगर वो बंदा आपको सीरियस नहीं ले रहा तो खास तौर पे देखिए, खास तौर पे जब आप यू वर्किंग इन अ लार्जर ग्रुप, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. अगर मैं अकेला एक पेंटर हूँ, मैं जो मर्जी पहन लूँ शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, घर में मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अपने घर में पेंट करो भी मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी रहे और आप मेरी पेंटिंग को देखें, मुझे ना देखें. लेकिन जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ. मेरे से कुछ सीनियर्स हैं, ग्रेडिंग है, कुछ मुझसे जूनियर हैं, कुछ मेरे कॉलीग्स हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं. Then I have to present myself in a certain frame. Exactly. ये आप नहीं कह सकते मेरी जो मर्जी है. तो so you are being judged and assessed and you are giving impressions to others all the time. Right. And so, your turnout, your attire and your outfit is speaking to right. the people. Actually, मैं यो कहता हूँ silently that's speaking. Silently speaking about that's you. Right. अच्छा सर ये बताएं कि आई मीन यू नो स्पेशली आपका ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन रही है CSS एंड यू नो ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल दैट, तो सर बेशुमार हमारे ऑडियंस में से लोग हैं जो CSS के एग्जाम दे के उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? बिकॉज दैट्स वेयर बिकॉज अ लॉट ऑफ देम यू नो दे कम फ्रॉम रिमोट एरियाज एंड यू नो दे मे हैव बीन दे मे बी वेरी टैलेंटेड and education wise and all that, but you know grooming wise they you know missing a lot. You should look very prim and proper and smart. Dress western bhi ho sakta hai, dress eastern bhi ho sakta hai. Eastern ko bhi agar aap proper waistcoat mein hain, aap waistcoat ke saath cuffs proper hai, uska sahi nice aapki istri hui bhi hai, usko maya laga hua theek tarike se aap hai. Ek dress mein ye bhi dekhne ki zarurat hai ye ki aap overdo na kar lo kuch cheez. ओवर डिजाइनिंग, ओवर डूइंग से भी बचना चाहिए और बिल्कुल कैजुअल और उससे भी नहीं. सो यू शुड बी मॉडरेट, बैलेंस्ड, बट लुक सीरियस
and formal, because you're going to a formal interview. And it's not your friend's party. So it's just not a barbecue. Exactly. ये एक formal organization में आप जा वहाँ पे बड़े senior लोग हैं. So you should present yourself with a proper tie, proper अच्छा सर, मैं रेकमेंड करता हूँ, जैसे मेरे पास आती हैं तो मैं कहता हूँ कि यार सेफेस्ट कलर टू वेयर इज व्हाइट शर्ट, बिकॉज़ यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद व्हाइट शर्ट. ठीक है ना, आप क्यों एक्सपेरिमेंट करें, ब्लू का सकता है शेड बहुत गलत होता है, फ्रेंच ब्लू की तरफ चला जाए या ज़्यादा फैशन ही हो जाए. मैं उनको गाइड करता हूँ, ये मैं आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू नो, आई एम आल्सो लर्निंग अ ग्रेट डील फ्रॉम यू. तो उसमें मैं कहता हूँ यार डार्कर सूट में आ जाओ. ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक माइट बी टू इंटिमिडेटिंग, और जैसे ओवरडू ना करें, यू डोंट नीड टू वेयर पॉकेट स्क्वेयर बिकॉज यू नॉट यू हैव रीच देयर येट. ठीक है ना, तो आप ना कोई टाई क्लिप्स वगैरह लगाएं, ना कोई आप मतलब कोई ह्यूज किस्म की कवरिंग लगा के चले जाएँ. And then I tell them that, you know, they should be wearing like say a dark navy instead of a black suit, and nice shoes and nice belts. I think so. And nice fitted. Absolutely. So जैसे आप इसी में वही बात, over designing could mean कि आपने एक interview के लिए जा रहे हैं, एक young boy हैं, तो उसको लेकर आपने ये लगाया हुआ है, यहाँ टाई पिन है, यहाँ बड़े बड़े कफ़ीस लगाए हुए हैं, या कोई और अंगूठियाँ पहन रही हैं, और ये अंगूठी तो सर मैं उनको कहता हूँ forget about it. ओके, यूनिट जनाब सर वो ब्रेसलेट टाइप की चीज है, और सम टाइम वो तबीज शबीज या आई मीन आई डोंट नो व्हाट दैट इज, वो धागे वागे. सो आई थिंक दैट सो ओवर डूइंग से बचना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू मस्ट लुक फॉर्मल, यू मस्ट लुक प्रॉपर एंड सीरियस. और जो आपने ये आदमियों के लिए तो जी वही डार्क कलर्स हैं, सिंपल वाइट शर्ट है या लाइट शर्ट है ब्लू. तो अच्छा सर, टाइज में मैं उनको गाइड करता हूँ कि सीरियस टाई होनी चाहिए, कोई उसमें मोटिफ नहीं होना चाहिए, कोई उसमें प्रॉपरली नहीं होना चाहिए, इतने इतने बड़े बड़े वो कलर होते हैं या पता नहीं, या ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर येलो का बहुत शार्प कलर है. तो सो यू शुड बी मेलोड डाउन, टोन डाउन, आपके कोई बहुत शार्प कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए. और अगर आपने अनश्योर है तो डू इट ऑन द सेफर साइड rather than trying to be on the unsure hai to hame sahi 0322 tetra 3034 you can always call me and I can give you all the help. Acha sir, ek last part reh gaya thoda sa, ke I mean we met obviously, and you know, I mean I have been greatly enriched by meeting you, and but in my context, you know, in from the clothing point of view, aapka experience kaisa raha, you know, what really. मैं अब सब आपको सच बताऊं, मुझे इनिशियली आई वाज अनश्योर व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट, और आई थॉट वेल यू आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ ड्रेस डिजाइनिंग एंड फैशन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इसकी स्पेशलाइजेशन को आपने एक फील्ड बनाया है पाकिस्तान में कम से कम, ये मैंने कोई ख़ास और जगहों पे नहीं देखा कि वो इस जिस पैशन से और जिस इसकी गहराई से आप चीज़ों को इंटेंसिटी से देखते हैं. और फिर आपने ये ड्रेस भी मुझे एज अ व्हाट शुड वन से सोवनियर, यू लुक ग्रेट इन दिस. सो आई यू अच्छा इसमें देखें, पहले भी तो यू नो मीन सूट इज़ नॉट अ न्यू थिंग टू यू, तो इसमें और उसमें आपको क्या मतलब है? सो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे यस आई हैव प्लेंटी ऑफ सूट्स, बल्कि मैं तो आपको पता है आई वाजंट रेडी इवन टू, लेकिन दिस काइंड ऑफ फिटिंग जो है इट्स मेनली द फिटिंग, कपड़ा इज सेकेंडरी, शायद जैसे जैसे कपड़े मेरे पास और भी होंगे, लेकिन फिटिंग इस तरह की जो है वो मुझे एकदम इट ब्रिंग्स ए न्यू लाइफ एंड स्पिरिट. आई ऑलवेज सेड दैट आई मेड यू लुक मच यंगर, नॉट दैट यू आर नॉट अ यंग गाय. आई फाइंड माय सेल्फ एज इफ आई हैव गॉन 10 टू 20 इयर्स बैकवर्ड्स. तो सो सबसे बड़ी असेसमेंट और ब्यूटी अपने अंदर होती है, अगर वो आ गई है और वो अगर आपको एक स्पिरिट आ जाती है तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू प्राइविंग दोज काइंड वर्ड्स फॉर मी. सर मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्लोथिंग के बारे में, इन लाइक समराइजिंग इट. कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जहाँ ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए कि आप तालीम पर जोर देते हैं, नौकरी पर, खाने पीने पर, अपनी
शख्सियत पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दें, अपने किरदार पर और अपनी शख्सियत में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा अंसर जो है वो आपके लिबास का है। सो इसको आप एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से या ऐसे ही कैजुअल तरीके से मत लें, इसको आप अपने एक एक स्टडी करें कि अच्छे लोग अच्छे कैसे नज़र आते हैं, क्या पहनते हैं। मुशाहिदा ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है, या जैसे गाइड्स हमारे पास हामिद साहब की सूरत में हैं, ऐसे लोगों से सीखें, मगर सीखें और समझें और इसकी अहमियत जानें। ये आपको ज़िंदगी में इंटरव्यूज से लेकर जहां आप काम करते हैं, नौकरियां करेंगे, ये आपको बहुत हद तक कामयाबी का एक उसके हमकनार करेगी। सो दैट इज़ माई मैसेज कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए लिबास का एक बहुत बड़ा दखल है, चाहे वो सोशली हो, ऑफिशली हो, एंड डू टेक इट सीरियस। थैंक यू। ये थे कामरान लाशारी साहब, वन एंड ओनली, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद हिम, एंड आई होप दैट यू इंजॉयड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कामरान लाशारी साहब हमेशा कहते हैं कि यार एक्सिक्यूट करो चीज़ को, अगर लर्न किया है, देखा है, सीखा है, तो डू इट, एक्सिक्यूशन इज़ एवरीथिंग। तो आई होप दैट टुडे सेशन वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। Hamid Saeed, I will be back to you again with the next guest. I mean, we'll be bringing these very, very prominent people in Pakistan who have made a huge difference. Aur iske saath main khuda hafiz kahunga, apna khayal rakhiye, until next time, Allah hafiz.